नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रिसर्च से संबंधित टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, देखते हैं। हमारा टॉपिक है समस्या का चयन एवं अनुसंधान सामग्री के क्या स्रोत होते हैं, ये आपको बताएंगे। इसमें आपका दो टॉपिक मैंने लिया है इसमें से, और जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें हमारा है प्रॉब्लम क्या है या समस्या क्या है। देखिए, सबसे पहले अनुसंधान जो शुरू किया जाता है, सबसे पहले समस्या को ही सिलेक्ट किया जाता है। यदि हमारी समस्या सिलेक्ट हो जाती है तो इसको समझा जाता है कि जो हमारी जो रिसर्च की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें से आधी जो प्रक्रियाएं हैं वो मतलब कि पहुंच चुके हैं आधी प्रक्रिया तक। इसको एक भाषा में कह सकते हैं कि अ प्रॉब्लम वेल पुट इज हाफ सॉल्व। यदि हमारी प्रॉब्लम सही तरीके से चुनी गई है, ये समस्या हमारा सही चुना गया है, यानी जिसको हम टॉपिक कहते हैं, जिसको हम रिसर्च का टॉपिक कहते हैं, उसी वही हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यदि हमारा टॉपिक सही तरीके से या प्रॉब्लम चुना गया है तो हमें उसके आगे की प्रक्रियाएं आसान हो जाती है, क्योंकि समस्या हमें कौन सा लेना है, किस क्षेत्र से लेना है और किससे रिलेटेड लेना है, यानी कई चीजें उसमें मायने रखती है। यदि वो सही तरीके से चुना गया है तो हमारी आधी जो रिसर्च की प्रक्रियाएं होती हैं वो सरल हो जाती हैं। और दूसरी बात, रिसर्च की जो टॉपिक या प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें हमारे जो अनुभवी होते हैं या जो हमारे कुछ रिसर्च के जो गाइड होते हैं उनके द्वारा मतलब गाइडलाइन से किया जाता है, रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट किया जाता है, तो वो हमारी समस्याएँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, नीड होता है। नीड का मतलब जो रिसर्च प्रॉब्लम में हमारी आवश्यकताएँ होती हैं, और उस आवश्यकताओं को पाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है, और साधन को पाने के बाद यदि हमारी समस्याएं उस साधन से सॉल्व हो जाती हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन यदि हमारी समस्याएं यानी आवश्यकताएं हैं, साधन है, और हमारी यदि समस्याएं नहीं सॉल्व हो, मतलब कि हमें साधनों के माध्यम से हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वही एक समस्या बन जाती है। तो वही समस्या को लेकर के जो है रिसर्च किया जाता है। अब देखते हैं, कलिंगर ने कहा है कि जो समस्या होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रॉब्लम क्या होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कैसे? दूसरी बात, इसमें क्या है, व्हाट रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी ये जो समस्या होती है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होती है, जो दो या दो से अधिक जो चर होते हैं उन दोनों चरों के बीच में रिलेशन बताने का कार्य हमारा समस्या में किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि बालक बालिका के बुद्धि का संबंध का अध्ययन करना, या बालक बालिका जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि जो होती है बालिका से अधिक होती है, या बालिका की बुद्धि बालक से अधिक होती है, तो इस तरह से टॉपिक जो लेते हैं, या कि नोटबंदी से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या आप जो इस तरह से जो टॉपिक लिया जाता है तो हमारे क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम होती है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है। किसने कहा है? कर्लिंगर ने कहा है। अब देखते हैं, समस्या उत्पन्न तीन स्थितियों से होती है। पहला क्या है, ज्ञान में अवरोध होना। जैसे हम कह सकते हैं कि कौन सी विधि शिक्षण के लिए उपयुक्त तो होती है, तो ये अभी हम जब तक आपको इसकी चीजों को क्लियर नहीं जानेंगे तब तक आप चीजों को नहीं बता सकेंगे कौन सी विधि, कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त तो होती है। तो इसमें क्या है, ज्ञान में अवरोध होना। दूसरा क्या है, एक ही समस्या पर विभिन्न प्रयोग करना। एक ही समस्या, कोई एक समस्या हो उस पर कई प्रयोग किए गए हैं, जितने प्रयोग किए होते हैं क्या होते हैं, सबका जो प्रयोग होता है वो अलग अलग होता है, तो सब लोग अपने अलग अलग व्यूज दे करके भी समस्या, यानी जो कोई रिसर्च हुआ रहता है उससे संबंधित और भी जो रिसर्च होते हैं या और उसमें से और जो रिसर्च की जाते हैं वो उसमें से समस्याएं निकल जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, एक तथ्य की व्याख्या करना, यानी किसी एक तथ्य की व्याख्या की जाती है। इसमें एक तथ्य की व्याख्या का मतलब होता है किसी, यदि तथ्य की मतलब किसी पर शोध यदि किया गया होता है, यदि वो जो हम तथ्य या जो फैक्ट इकट्ठा करते हैं यदि वो फैक्ट पूर्ण रूप से नहीं होता है तो क्या होता है, वो हमारा सही तरीके से सक्सेस नहीं होती हमारी रिसर्च। तो इसीलिए एक तथ्य की व्याख्या करने का मतलब होता है कि जो यदि हमारे तथ्य में कोई कमी होती है, यदि पूर्ण रूप से तथ्यों को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तब भी वहां पर समस्या उत्पन्न होती है, यानी जो हमारे रिसर्च में जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है ये तीन स्थितियां होती हैं उत्पन्न करने की। अब देखते हैं कि सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है। तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम यानी हम सोर्स यानी प्रॉब्लम हम कहाँ से ले सकते हैं, या हम कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं प्रॉब्लम को।
तो पहला हमारा है शोध कर्ता का डीप स्टडी अथवा स्पेसिफिकेशन, यानी यदि जो रिसर्च करता होते हैं यदि उनकी मतलब गहन अध्ययन किए होते हैं या किसी पेपर में स्पेशलाइजेशन होता है उनका, जैसे आप हम लोगों का पांचों ब्रांच है, पांचों ब्रांच में किसी एक में हमारा स्पेशलाइजेशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें से एक, उसमें से हमें लेने में आसानी होती है जिस क्षेत्र से हमारा जो है स्पेशलाइजेशन हुआ रहता है। दूसरा हमारा प्रेजेंट नीड, यानी हमारी वर्तमान की क्या आवश्यकताएं होती हैं उससे हम इकट्ठा कर सकते हैं प्रॉब्लम को। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, यानी जो शोधकर्ता होता है यदि उसको किसी टॉपिक में भी उसको इंटरेस्ट होगा तो उसको आसानी से बहुत अच्छी तरीके से वो शोध कर सकता है। प्रीवियस रिसर्च वर्क, यानी जो पहले से रिसर्च वर्क हुए हुए रहते हैं उससे हमें नॉलेज होती है, जिसमें कोई टॉपिक पर नहीं हुआ होता है तो उससे कोरिलेट करके नेट प्रॉब्लम ले सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल्स, यानी जो पत्रिकाएं जो निकलती हैं उसमें जर्नल्स होती है जो रिसर्च से संबंधित होती हैं, वहां से प्रॉब्लम को लिया जा सकता है। रिलेवेंट बुक्स, यानी जिस जो हम टॉपिक लिए हैं उससे संबंधित हम बुक को सर्च करते हैं तो उससे क्या होता है हमें अपने टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम और टॉपिक से संबंधित तथ्य मिल जाते हैं। नेक्स्ट नेग्लेक्टेड एरिया, देखिए कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसपे लगभग लोग उस पर रिसर्च करते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसपे लोग मतलब कि रिसर्च किया ही नहीं रहता है, तो उस एरिया पर रिसर्च करना काफी मतलब कि हमें टॉपिक ढूंढना या प्रॉब्लम लेना आसान होता है। तो इतने तरीके होते हैं हम जो है यहाँ से प्रॉब्लम को प्राप्त कर सकते हैं या अपने टॉपिक को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या कितने प्रकार की होती है या कितने तरीके कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहला हमारा होता है हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, देखिए हिस्टोरिकल का मतलब जो घटना पहले घट चुकी है उस पर रिसर्च करना, उससे पहले से अब में क्या संबंध है इसको बताने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या है अतीत की घटनाओं से ये संबंधित होता है और इसको पहले की जो घटनाएं घटी रहती हैं और उसको एक आधार मान करके और वर्तमान में इसको मतलब वर्तमान में उसको संबंध या कोरिलेट करके उसको मतलब अध्ययन किया जाता है, वो हमारा क्या होता है हिस्टोरिकल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम क्या होती है, इसको सैद्धांतिक समस्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है तरीके से प्योर होता है, जिसको हम सच कहते हैं, यानी पूरी तरीके से प्योर साइंस होता है, यानी शुद्ध विज्ञान जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, कोई चीज ऊपर से क्यों नीचे गिर जाती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती है, इस तरह से जो टॉपिक होते हैं सैद्धांतिक जो होते हैं वो हमारा क्या होता है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक रूप में हो, जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे समूह संघर्ष होना, कर्मचारी हड़ताल होना, या घरेलू कला, या पारिवारिक समस्या, या सामाजिक क्या समस्याएं हैं, इस तरह जो चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पे आते हैं सर्वे प्रॉब्लम, सर्वे प्रॉब्लम जो सर्वेक्षण करते हैं समाज विज्ञान का, मानव विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का, ये सब होता है हमारा रिसर्च सर्वे प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल इसको हम प्रायोगिक जो है प्रॉब्लम कहते हैं, इसमें दो चर होते हैं, दो से अधिक चर का आपस में क्या संबंध होता है, यानी स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है जिसमें मतलब कि जो स्वतंत्र होते हैं वो रिसर्चर के द्वारा चूज किए जाते हैं, प्रतंत्र जो चर होते हैं उस स्वतंत्र चर का क्या उस पर प्रभाव पड़ता है इसको हम प्रतंत्र या इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो रिसर्चर के द्वारा मतलब सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे धूम्रपान करने से फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है या धूम्रपान करने से मतलब कि मुंह का कैंसर होता है, तो धूम्रपान क्या है ये आपका स्वतंत्र चर है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है फेफड़े पर पड़ रहा है, मुंह पर पड़ रहा है, कैंसर हो रहा है, तो हमारा क्या ये आश्रित चर है, यानी स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये होता है हमारा क्या एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम। अब आते हैं जो अक्सर एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि अनुसंधान सामग्री के क्या स्रोत होते हैं, यानी जो हम जो डाटा को इकट्ठा करते हैं इसके दो स्रोत होते हैं, कौन कौन से, एक प्राइमरी जिसको प्राथमिक स्रोत कहते हैं, दूसरा हमारा सेकेंडरी होता है जिसको क्या कर द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होता है इसमें क्या करते हैं जो शोधकर्ता होते हैं जो रिसर्चर होते हैं वो स्वयं जा करके प्रयोग के द्वारा या सर्वेक्षण के द्वारा और क्वेश्चनार यानी प्रश्नावली विधि के द्वारा या परीक्षण के द्वारा या शेड्यूल के द्वारा जिसको अनुसूची कहते हैं इनके द्वारा डाटा को वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान होता है कि जो मतलब कि जितने लोगों को हमने सेलेक्ट किया है, यानी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हम सैम्पलिंग मेथड के जो जितने लोगों को सैंपल लिया है उतने लोगों के से संपर्क करके डेटा को हम
इकट्ठा करते हैं या डाटा को हम कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है प्राइमरी। जो प्राइमरी शोधकर्ता ज़्यादा काफ़ी विश्वसनीय होता है और ये इसको करने में काफ़ी टाइम भी लगते हैं, टाइम टेकिंग होता है कि डाटा को लोगों को सेलेक्ट करना, वहाँ से लोगों को मत से पूछना, उसको डाटा इकट्ठा करना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो ये हमारी क्या होती है प्राइमरी सोर्स होता है, यानी इसमें शोधकर्ता खुद जा करके लोगों से पूछ करके डाटा को इकट्ठा करता है, वो हमारा क्या होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि जिसको द्वितीयक स्रोत कहते हैं, जिसमें जो पहले से जो डाटा इकट्ठा हुआ है, जो पहले से चीज़ें तथ्य के रूप में इकट्ठा हुई हैं, तथ्य के रूप में उपलब्ध हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर रिसर्च करते हैं, वो हमारा क्या होता है द्वितीयक स्रोत होता है। और पर्सनल इसमें क्या होता है मुख्य रूप से प्राथमिक व्यक्तिगत संकलन होता है। व्यक्तिगत का मतलब इसमें व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री क्या है, दूसरा पर्सनल लेटर्स क्या है उसके, या डायरी यानी किसी व्यक्ति की केस हिस्ट्री लेना है तो केस हिस्ट्री के लिए उस पर्सनल व्यक्ति की क्या लाइफ हिस्ट्री क्या रही, पर्सनल लेटर्स क्या है उसका, डायरी, इन सब चीज़ों के द्वारा जब डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट क्या है और इन सब चीज़ों के द्वारा डाटा को इकट्ठा करते हैं, वो हमारा क्या होता है द्वितीयक स्रोत, जिसमें किसी व्यक्ति से पर्सनल मिल करके या इस तरह से कोई चीज़ें इसमें नहीं होती है। तो ये है आपका प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बताइएगा और ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निश्चित ही आपको TGT PGT NET किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो आपको अवश्य ही हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।